हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम रॉकवेल के डीसीएस प्लांट पीएएक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रॉकवेल के डीसीएस को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टूडियो 5000 के अंदर जाएंगे। रॉकवेल की जो प्लांट पीएएक्स की लाइब्रेरी है उसके अंदर हमको सारे प्रोग्राम बने हुए मिलते हैं, उसी को हम केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करके या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी कि कनेक्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले, जैसे कि एग्जिस्टिंग में, तो हम अगर कोई पहले से हमने कोई डीसीएस की प्रोग्रामिंग कर रखी है तब हम एग्जिस्टिंग में ओपन करते हैं, अदरवाइज हम न्यू क्रिएट करते हैं। तो हम आज की क्लास में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने न्यू पे क्रिएट किया तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में चार ऑप्शन देख पा रहे हैं, जैसे आर्किटेक्ट, फैक्ट्रीटॉक व्यू, लॉजिक्स और व्यू। इस क्लास में हम आर्किटेक्ट के थ्रू डीसीएस की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं उसकी एक बेसिक क्लास रहेगी। तो इसके अंदर आप जैसे देख पाएंगे, पहला है ब्लैंक प्रोजेक्ट। ब्लैंक प्रोजेक्ट का मतलब आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कितने इसके अंदर इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन रखने हैं, कितने ऑपरेटर वर्क स्टेशन रखने हैं, कितने आपके डेटा सर्वर बनाने हैं, वो सब हमको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा रेडीमेड डीसीएस के पैक भी हैं, जैसे कि आप पहले यहाँ देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट कनेक्टेड इंटरप्राइज। सबसे पहले इसको ही क्लिक कर लेते हैं और एक सैंपल क्रिएट करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं। तो हम इसका एक नाम रख देते हैं, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, सपोज 6001 नाम दे दिया, फिनिश करेंगे। ये अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ये ओपन होके आया, यहाँ पर इसने एक डेटा सर्वर, एक इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन और एक ऑपरेटर वर्क स्टेशन, तीन इसने स्टेशन इसके अंदर इंक्लूड कर लिए। उसके अलावा लॉजिक्स 01, लॉजिक्स 02, लॉजिक्स 03, 04, 05, 5 यहाँ पर कंट्रोलर लगाए हैं। उसके अलावा 5 यहाँ पर HMI कनेक्ट की हैं और इस तरह का एक आर्किटेक्चर इसने बना करके आपको दिया है। और साइड में जो भी ये आइटम यहाँ पर आए हैं वो साइड में यहाँ पर बन के आ गए हैं, यानी कि लॉजिक्स 1, 2, 3 जिसमें प्रोग्रामिंग करना होता है उसके अंदर हम यहाँ से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या क्या डिवाइस हैं वो ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर क्रिएट की हैं, जैसे लॉजिक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 हैं और जो स्विचेज हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर कनेक्ट करके दे दिए और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट करके दे दिए। तो ये एक तरीके का आर्किटेक्चर है। इसके बाद एक दूसरे तरीका का आर्किटेक्चर, वो भी मैं दिखा देता हूँ, फिर एक बार डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे होती है। अभी हमने इस डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर कनेक्टेड इंटरप्राइज के अंदर गए थे, अब हम दूसरा वाला यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर मल्टीपल प्रोसेस सर्वर, मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर लेता हूं और इसका एक नाम दे देता हूं, जैसे 6001 नाम दे दिया और एक बार फिनिश करेंगे तो ये प्रोजेक्ट अभी क्रिएट होकर के हमारे सामने आ जाएगा। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो सर्वर हैं, PaaS01 और PaaS02, ये दो सर्वर और एक वर्क स्टेशन, और इसके अंदर 9 कंट्रोलर इन्होंने लिए हैं। ये सिंपल एक सैंपल के लिए है कि कैसे हम बना सकते हैं उसको हम दिखा रहे हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर थे वो सारे के सारे उन्होंने ऑटोमेटिक क्रिएट कर लिए हैं, तो इस तरह से ये बन गया। हमने दो चेक कर लिए, अभी ये ब्लैंक वाला सबसे लास्ट में करेंगे जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो ये दो हमने अभी चेक कर लिए। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर सिंगल प्रोसेस सर्वर, इसका नाम दे देते हैं DASPS6001, ये नाम दे दिया, एक बार फिनिश करेंगे तो ये DCS का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ क्रिएट हो गया। इसके अंदर एक सर्वर है और एक ऑपरेटर वर्क स्टेशन है और उसके अलावा 5 कंट्रोलर यहाँ पे लिए हैं और एक स्विच है, ये भी सैंपल हमने चेक कर लिया। लास्ट बचा हुआ है प्रोसेस स्क्रिप्ट विद लॉजिक्स बैच सीक्वेंस मैनेजर, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका भी कोई नाम दे देंगे, जैसे 6001, ये मैंने एक नाम दे दिया और इसको एक बार फिनिश कर दिया। तो इसके अंदर एक पैनल व्यू है और एक स्विच है और 3 यहाँ पर इन्होंने कंट्रोलर लिए।
इस तरह के ये सैंपल हैं कि किस तरह से हम TCS का आर्किटेक्ट बना सकते हैं। ये तो इन्होंने रेडीमेड बता दिए हैं कि ऐसे आप आर्किटेक्चर बना सकते हैं, लेकिन हमको जब भी कोई प्रोसेस ऑटोमेशन करनी होती है या फिर कहीं DCS को सप्लाई करना होता है तो हमें वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कंट्रोलर खुद डिसाइड करना होता है और जो भी IOs हैं उसको हमें खुद डिसाइड करना होता है। ऐसे केस में हम ब्लैंक प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो एक बार ब्लैंक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कोई नाम दे देंगे, जैसे BP6001 ये नाम दे दिया, कोई भी नाम प्रोजेक्ट का दे सकते हैं, मैंने ये नाम दे दिया। और एक बार इसको फिनिश करेंगे तो यहाँ पर हार्डवेयर का डायग्राम नंबर पूछेगा, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है उसको ही ले लेते हैं, ओके कर देंगे। ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पर जो जो भी चीज़ें हमको चाहिए वो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले एक कंट्रोलर ही ले लेते हैं, तो कंट्रोलर लेने के लिए हम प्रोग्रामेबल कंट्रोल सिस्टम में जाएंगे और इसके अंदर 1356 कंट्रोल लॉजिक्स और लॉजिक्स के कंट्रोलर इसके अंदर मिल जाएंगे। मैं मान लीजिए 1756 कंट्रोल लॉजिक्स को ले लेता हूँ, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें एक रैक लेनी होगी। मान लीजिए मैं एक रैक A4 ले लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आ गया। ये इसका कुछ नाम पूछेगा, ये नाम जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने देंगे, ये रैक आ गई। अब हमको कंट्रोलर सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोलर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि जितनी बड़ी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। मैं यहाँ सैंपल के लिए L71 कंट्रोलर को ले लेते हैं, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ कंट्रोलर आ गया L71। उसके बाद ये कंट्रोलर का रिवीजन पूछेगा, तो आप जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड हो उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब इसके अंदर एक हमको नेटवर्क कार्ड चाहिए होता है, तो नेटवर्क के लिए जाएंगे कम्युनिकेशन मॉड्यूल के अंदर और इसके अंदर हम एक EN2TR ये यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एक चाहिए तो एक डाल देंगे, दूसरा चाहिए तो दूसरा भी डाल सकते हैं, ये दूसरा डाल दिया। इस तरह से हमने दो कम्युनिकेशन कार्ड और एक कंट्रोलर और एक पावर सप्लाई ये यहाँ पर आ गई है। अब इसके बाद हमको एक IOs को रीड करने के लिए अडेप्टर चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक अडेप्टर ले लेते हैं। अडेप्टर लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा IOs के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड IOs इसके अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर आपको दो तरह के IOs दिखाई देंगे, जैसे चेसिस बेस्ड IOs, कैबिनेट बेस्ड। तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाई देंगे। मैं मान लीजिए फ्लक्स IO 1794 सीरीज के ही IOs ले लेते हैं, तो इसको IOs को लेने के लिए सबसे पहले हमें AENTR लेना पड़ेगा, 1794 AENTR इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये यहाँ आ गया और ओके कर देंगे। ये एक यहाँ पर अडेप्टर आ गया, मान लीजिए मैं इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इसके बाद एक हमें इसको कम्युनिकेशन करने के लिए हमको एक स्विच चाहिए होगा, तो स्विच ले लेते हैं। स्विच हमको कहाँ मिलेगा, नेटवर्क इंटरफेस के अंदर, ईथरनेट स्विचेज के अंदर। जो भी स्विच आपको चाहिए, जैसे मैनेज का या अनमैनेज का, कितने पोर्ट का चाहिए वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं 8 पोर्ट का मैनेज स्विच ले लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर एक IP एड्रेस मांगेगा, तो यहाँ पर मैं एक IP एड्रेस दे देता हूँ, 192.168.1.1 ये IP एड्रेस दे दिया। तो ये एक हमने यहाँ पर स्विच लगा दिया, कनेक्ट कर लेते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं, यानी कि किस तरह की नेटवर्किंग करना चाहते हैं। जैसे अभी के केस में हम एक स्विच ले लिया, एक और भी स्विच ले सकते हैं, एक स्विच और ले लेते हैं, ये हमने यहाँ पर एक स्विच और ले लिया। अब हम पहले कार्ड से, इसमें दो ईथरनेट कार्ड हमने लिए हैं, पहले कार्ड से हम इस स्विच में कनेक्ट कर देंगे, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ से तो ये कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्विच हम इसके पहले पोर्ट से, यानी कि दूसरे कार्ड के पहले पोर्ट से यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो पहला स्विच इससे कनेक्ट हो गया पहले मॉड्यूल के पहले पोर्ट से, और दूसरा स्विच वो दूसरे मॉड्यूल के पहले पोर्ट से यहाँ पर कनेक्ट हो। IOs हैं वो हम इसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम रिंग बना सकते हैं, जैसे डिपेंड करता है कि किस तरह का आर्किटेक्चर आपको चाहिए। मैं मान लीजिए अभी सिंपली इसको ये जो AENTR है इस स्विच के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ कनेक्ट कर दें तो ये कनेक्ट हो गया, तो ये कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया।
तो अभी हमने सैंपल के लिए सिर्फ एक ही AENTR लिया है, यहाँ पर कोई मॉड्यूल भी सैंपल के लिए डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई एक एनालॉग I12 ही डाल देता हूँ, ये यहाँ पर एक हमने I12 यहाँ पर डाल दिया, तो ये एनालॉग इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये आगे ऐसे ही हम और भी जितने भी IOs हैं उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी अपने IOs को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हमारे पास एक कंट्रोलर कॉन्फ़िगर हो गया, स्विच कॉन्फ़िगर हो गया, और सैंपल के लिए कुछ IOs भी कॉन्फ़िगर हो गए हैं। अब हमारे पास बचता है स्काडा सिस्टम। तो स्काडा सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसी के अंदर नीचे आएंगे, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। स्काडा सिस्टम के लिए आएंगे विजुअलाइजेशन में, इसके अंदर किस तरह के हमें चाहिए उस तरह के यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे सर्वर्स, स्टेशंस, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं मान लीजिए सैंपल के लिए फैक्ट्री टॉप व्यू ऐसी स्टेशन लोकल इसको ले लेता हूँ, तो इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ ड्रॉप कर देंगे, तो ये आ गया। इसका नाम कुछ कंप्यूटर वन नाम दे रहा है, तो ले इसी को। अब यहाँ पर एक नाम पूछेगा, मैं नाम इसका कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मान लीजिए BP6002 कर देते हैं इसका नाम, और ओके करेंगे। उसके बाद ये टैग अलार्म एंड डेटा सर्वर का नाम पूछेगा, तो इसका भी नाम मैं BP6003 डाल देता हूँ, तो ये यहाँ बन गया। अब इसको हम इस स्विच के थ्रू कनेक्ट करेंगे, यानी कि एक नेटवर्क कार्ड के थ्रू हम सिर्फ जितने भी PC हैं उसको कनेक्ट कर लेंगे, बाकी जो IOs हैं वो सिर्फ सेकेंड वाले ईथरनेट कार्ड से नेटवर्किंग करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली ड्रैग करेंगे और यहाँ ले जाएंगे और छोड़ देंगे, तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो। तो इस तरह के हम अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर आर्किटेक्ट बना लेंगे, और एक बार जब ये आर्किटेक्ट बन जाएगा, जैसे ये यहाँ पर PC आ गया और ये कंट्रोलर आ गया, तो यहाँ पर आपकी डिवाइस ऑटोमेटिक क्रिएट होती चली जा रही हैं, ये आ गई। तो मान लीजिए मैं सैंपल के लिए इतने ही IOs रखते हैं, जैसे डिपेंड करता है कि हमारे कितने IOs हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इस कार्ड पर यानी कि इस स्विच के थ्रू इसके अंदर IOs बढ़ा सकते हैं। मैं एक सिंपल आर्किटेक्ट ले लिया, इसी को हम प्रोग्राम कर लेंगे। तो इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें रेडीमेड होती हैं। प्लांट PX DCS की एक लाइब्रेरी होती है, जैसे मान लीजिए मैं कोई कंट्रोलर के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, तो इसके अंदर ऑलरेडी एक लाइब्रेरी है, जैसे आप यहाँ देख पाएंगे लाइब्रेरीज, कुछ लाइब्रेरी रॉकवेल ने ऑलरेडी बना रखी हैं, और आप चाहो तो अपनी खुद की कोई लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो मैं कुछ लाइब्रेरी यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई हैं, तो आज की क्लास में मान लीजिए मैं एनालॉग इनपुट स्केलिंग के लिए कोई लाइब्रेरी को यूज कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये बेसिक एनालॉग इनपुट है, इसकी एक लाइब्रेरी में बना हुआ है इंस्ट्रक्शन, इसी इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे, तो ये इसके अंदर इसने अपने एड ऑन यानी कि अपना लॉजिक यहाँ से यहाँ इम्पोर्ट कर लिया है। अब हमको स्काडा के अंदर इसकी एक फेस प्लेट भी कनेक्ट करनी होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे इधर ग्राफिक्स, तो यहाँ डिस्प्ले के अंदर हमको कुछ डिस्प्ले देनी है, जैसे मान लीजिए PAI फेस प्लेट, इस फेस प्लेट को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ ड्रॉप कर, ये ड्रॉप हो गई, तो यहाँ पर एक ये फेस प्लेट बन गई। अब एक बार ये होने के बाद इसको हमें कमिट प्रोजेक्ट चेंजेस ये करना पड़ता है, एक बार कमिट पे सेलेक्ट करेंगे। दिस प्रोसेस कुड टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये इसने इसको कमिट कर दिया है। तो ये एक स्काडा के अंदर एक फेस प्लेट आ गई, और साथ ही साथ दूसरा यानी कि लॉजिक के अंदर एक हमने एड ऑन इंस्ट्रक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप किया था उसको भी कमिट कर लेते हैं। उसको कमिट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और कमिट प्रोजेक्ट चेंजेस पर क्लिक करेंगे, और एक बार कमिट पर क्लिक करेंगे, कमिटिंग प्रोजेक्ट चेंजेस, दिस प्रोसेस कुड टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये इसने इसको चेंज सेव कर लिए। यानी कि एक लॉजिक हमने सिंपली इसकी लाइब्रेरी से लॉजिक्स के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और साथ ही साथ उसकी जो ग्राफिक्स है वो भी लाइब्रेरी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर हमने इनकॉर्पोरेट कर दी। इस प्रोजेक्ट को हम अगर ओपन प्रोजेक्ट इन डिजाइनर में करेंगे
तो ये एक डिफरेंट विंडो में ओपन होके आएगा। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, ये ओपन हो गया। अब अगर अगर इसके अंदर हमको कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो जो भी एड ऑन हमने इसके अंदर बना रखे हैं उसको यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके लॉजिक बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी लॉजिक चेंज करेंगे यहाँ सेव कर सकते हैं। और ऐसे ही हम स्काडा के प्रोजेक्ट को भी यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन प्रोजेक्ट इन डिजाइनर ऐसे ओपन करेंगे तो ये एक डिफरेंट विंडो में फुल स्क्रीन में यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। ये कुछ टाइम ले सकता है, ये ओपन हो गया। तो आप देख पाएंगे इसके अंदर जो भी एक फेस प्लेट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की थी वो इसके अंदर आ गई है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम लॉजिक्स को और स्काडा को एक साथ उसकी लाइब्रेरी को यूज करके उसका आर्किटेक्ट डेवलप करके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर लाइब्रेरी को यूज करके स्काडा के साथ कम्युनिकेशन करके कैसे इस DCS की फेस प्लेट को कनेक्ट करेंगे वो सब नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।